अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और बहुत ही प्यारे से समर के जो फ्लावर्स हैं पॉट लगा के, वो चल रहे हैं अभी भी। मॉर्निंग के जैसे ही धूप पड़ती है, बहुत ही अच्छे से खिलने लग जाते हैं। बट अभी इस मंथ में बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे पास, अक्टूबर में, कि हम जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे, उनके सीड्स हम लगा सकते हैं। तो मैं भी आज कुछ विंटर की प्रिपरेशन ही करने वाली हूँ सीड्स लगाने की, और आपसे वही शेयर करूँगी कि मैं कौन से सीड्स लगा रही हूँ। ये मेरे लास्ट ईयर के ही पड़े हुए सीड्स हैं। आप वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हैं विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स की, कि मैंने कौन से ग्रो कर रखे थे। उनमें से कुछ की आज मैं सीडलिंग करने वाली हूँ। डिटेल में शेयर करूँगी कि मैंने सॉइल किस तरह का लिया है और किस तरह से हम सीड्स को लगाएं तो हमें जर्मिनेशन रेट जो है वो अच्छा मिलेगा। पॉट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और मॉर्निंग का टाइम है तो धूप भी आने लग गई है। अब सैंडी सॉइल है टोटली, और आप इसको देख सकते हैं। मैंने 8 इंच, 6 इंच और इस तरह से जो भी मेरे पास पॉट्स अवेलेबल थे, मैंने इनको सॉइल से भर लिया है। गार्डन सॉइल ली है और साथ उसमें सैंड मिक्स है और पत्तों की खाद, तीन चीज़ें उसमें मिक्स हैं। और सीड्स जो हैं वो मैं लगाने वाली हूँ। मेरे पास ये पहले के ही ऑलरेडी मौजूद सीड हैं, नए मैंने नहीं मंगवाए हैं, तो मैं यही लगाने वाली हूँ। कुछ मैं मटर के सीड लगाऊंगी, कुछ वर्बीना है, हॉली हॉक है, और मैरीगोल्ड के सीड भी मैंने लगाए हुए हैं, वो भी शेयर करूँगी आपसे। उसके अलावा विंटर के कुछ सीड्स मुझे गिफ्ट आए थे, वो भी लगाऊंगी, जिसमें कि कॉर्नफ्लावर है, स्टॉक फ्लावर है, नेस्ट्रीशियम है, कैलेंडुला है। तो ये सारे सीड्स जो हैं वो आज हम लगाएंगे। तो देखते हैं इन पॉट्स में जितने आ जाएंगे उतने लगाएंगे। कभी भी जब आपको सीडलिंग करनी हो किसी भी चीज़ की, आपको एक बात तो ध्यान में रखना है कि एक ही दम सारे सीड्स नहीं लगा देने हैं। जब आप एक ही दम सारे सीड लगा दोगे और वो किसी वजह से आपके जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं, तो फिर वो आपके सारे सीड्स वेस्ट चले जाते हैं। तो मैंने उनको इस तरह से सेव करके रखा था, और अभी जो है इनको हम लगाएंगे पॉट्स के अकॉर्डिंग। और कुछ आज लगा लेंगे, कुछ मैं बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं सीड्स, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक ओपन है। ये लास्ट ईयर ही मैंने ग्रो किए थे, और अभी इनमें से हम सीड्स निकालेंगे। मिट्टी जितनी पोरस होगी, हो सके तो आप कोकोपीट भी ले सकते हो। मेरे पास कोकोपीट वैसे नहीं है, मिट्टी में मैंने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। अगर हो सके तो आप पानी अच्छे से दे दें मिट्टी को। पानी मैंने कल दिया था, बट ड्राई हो गई है ऊपर से मिट्टी। उससे फिर आपको ये होता है कि बहुत कम पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता, और सीड आपके अच्छे से अपनी जगह पे ही रहते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। धूप बहुत हो गई है, सो जितने सीड्स लग पाएंगे वो हम लगा लेंगे, और बाकी सीड्स जो हैं वो मैं कुछ बाद में लगा के इंशाल्लाह अपडेट भी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम वर्बीना के सीड लगाएंगे, और मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आपको सीड दिख रहे हैं, मैंने सारे नहीं डाले हैं, मैंने हाफ हाफ सीड डाले हैं। हॉली हॉक है और उसके सीड भी मैं हाफ ही डालूंगी, मिक्स है ये। उसके बाद कॉर्न फ्लावर है, ये फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो मैं सिर्फ एक फ्लावर ही जो है ना उसको लगाऊंगी, बाकी दो रख लूंगी। टाइम टू टाइम आप सीडलिंग करते रहें वो आपके लिए बेस्ट रहता है, कि आपको जो है वो कुछ प्लांट अभी मिल जाएंगे, वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, कुछ आप बाद में भी ग्रो कर सकते हैं। सो सेम मैंने कैलेंडुला और नेस्ट्रीशियम के सीड्स भी डाल दिए हैं, साथ ही मैंने स्टॉक के डाल दिए हैं। वो मैंने उसकी जो फलियां थी वो रख ली थी और उनमें सीड अच्छे बन गए थे, यहाँ छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने नेस्ट्रीशियम के साथ उसके सीड लगा दिए हैं, और यहाँ इस मिट्टी के पॉट में मैं मटर के सीड डाल दूंगी। तो सीड की जितनी मोटाई हो उतना ही आपको उसके ऊपर मिट्टी की लेयरिंग करनी है। तो मैं यहाँ से ही जो हमारी सीडलिंग की मिट्टी रेडी हुई है वही लेके तो इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ना ही सीड को नीचे दबाना है, नहीं तो आपका सीड जो है वो नीचे ही डेड हो जाएगा और जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो सारे ही सीड्स जो हैं वो उनको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। सिर्फ हमें 1/2 इंच की लेयर करना है या जस्ट 1 इंच की, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सीड्स बहुत मोटे नहीं हैं, बारीक सीड्स हैं। तो अगर हम ज़्यादा लेयरिंग कर देंगे तो वो नीचे ही दब जाएंगे। और जो मेरे पास मटर के सीड हैं वो वेजिटेबल है और वो मोटा सीड है, तो उसको हम 1 से 1.5 इंच नीचे दबा देंगे मिट्टी में, वैसे ही फिंगर के साथ या किसी टूल से आप होल करके उसको लगा सकते हो। लेकिन बाकी सारे सीड जो भी मैंने फ्लावरिंग प्लांट के लगाए हैं तो वो बहुत छोटे हैं, तो
तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि बहुत मट्टी नहीं हो, और जब हम पानी दें तो भी हम शावर से पानी दें। तो छोटी छोटी ये टिप्स हैं, जब इनको हम ध्यान में रख के लगाते हैं तो हमें जर्मिनेशन रेट भी अच्छा मिलता है और हमारे सीड वेस्ट भी नहीं होते हैं। सो मैंने यहाँ बाकी लगा दिए हैं, कवर भी कर दिए। अब भी बारी है मटर की, और मटर के भी मैं 4 से 5 सीड ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, कुछ मैं डायरेक्ट भी लगाऊंगी। और मटर के सीड के लिए टिप यही है कि इनको आपने जहाँ रखना है इनको थोड़ा शेड में रखना है, और इनको बहुत पानी नहीं देना है, वरना ये सीड जो है वो अंदर ही गल जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। सो इनको मैंने दबा दिया है, वही मिट्टी दोबारा ऊपर कर दी है, पानी देके इनको शेड में रख दूंगी मैं, जहाँ पे इनको रोशनी तो मिलेगी, छत पे ही रखूंगी, लेकिन इनको जो है वो डायरेक्ट धूप सारा दिन की नहीं मिलेगी। तो शावर से पानी देना है आपने, ताकि सीड्स बाहर नहीं आएँ। और जो मेरी वीडियोस विंटर की पड़ी हैं उनको भी गो थ्रू कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के साथ कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। और विंटर की अगर तैयारी नहीं की है आपने तो कर लीजिए, ताकि आप भी जो है विंटर की फ्लावरिंग को बहुत टाइमली इंजॉय कर सकें अपने गार्डन में। हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।